एक अमीर लड़का अपने लिए एक सुंदर रोबोट खरीदता है अपना अकेलापन दूर करने के लिए। सो सीरीज की स्टार्टिंग होती है। आदित्य नाम का लड़का जो काफी अमीर था, उसके पापा के बहुत सारे बड़े बिजनेसेस थे, लेकिन एक वजह से उसे अकेला रहना पड़ता था। वो ऑफिस नहीं जाता, वो अकेले अपनी लाइफ काट रहा था, वो ऑफिस का काम भी नहीं देखता था। लेकिन उसे एक दिन एमरजेंसी की वजह से ऑफिस जाना पड़ता है। वो सारे स्टाफ से ऑफिस खाली करवाता है और इनकम टैक्स ऑफिसर से भी काफी दूर से मिलता है। उसने अपने आप को कवर कर रखा था। लेडी ऑफिसर बताती है कि उसकी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज पैसा लूट और सब इसमें मिले हुए थे। आदित्य प्रूफ देखता है और अपने अंकल शेखर के घर जाता है। शेखर ही सारा काम देख रहा था। वो सीईओ था आदित्य की कंपनी का। आदित्य उसे काम से निकालता है। वो उस पर केस नहीं करता क्योंकि वो उसके पापा का काफ़ी करीबी दोस्त था। और बाद में आदित्य अपने माँ बाप के कब्र के पास जाता है और रोता है। वो बहुत अकेला था। जब वो छोटा था, उसके पेरेंट्स और उसके साथ कहीं गाड़ी में जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था और सिर्फ वही बचा था। और फिर हमें एक मैत्री नाम की लड़की दिखती जो यूनिक गिफ्ट शॉप चलाती थी। उसे 10 लाख का लोन देना था, इसलिए वो काफ़ी परेशान थी। बाद में आदित्य शॉप पे आता है गिफ्ट लेने। वो कार में ही था, उसने कार से ऑर्डर कर दिया था। वो मैत्री को कार में ऑर्डर डिलीवर करने के लिए कहता है। मैत्री मना करती है। आदित्य ऑर्डर कैंसिल करने वाला था, इसलिए मैत्री मान जाती है। लेकिन एक बाइक वाला उसके ऊपर कीचड़ उड़ा के जाता है। मैत्री को गुस्सा आता है, वो गालियाँ देती है। आदित्य को लगता है वो उसे गाली दे रही है। उसे गुस्सा आता है। मैत्री जल्दी गिफ्ट लेकर आती है। कीचड़ की वजह से वो फेस कवर करके जाती है। आदित्य को अम्ब्रेला की क्वालिटी पसंद नहीं आती, वो आधे पैसे देता है। मैत्री लड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो उसके गले में टच करती है और आदित्य के गले में रैशेज आने लगते हैं तेजी से। और सीन शिफ्ट होता है। आदित्य के पेरेंट्स का जब एक्सीडेंट हुआ था, आदित्य सबसे मदद मांग रहा था। एक कपल आता है, वो आदित्य के पेरेंट्स को देखते हैं और वो सारे महंगे आइटम चुराने लगते हैं और आदित्य का पेंडेंट भी लूट के जाते हैं। और लेडी के टच करने की वजह से आदित्य को एलर्जी हो गई थी और उसे एक रेयर बीमारी होती है। अगर किसी अनजान के टच करने से उसे अनसेफ फील होता था तो उसे एलर्जी हो जाती थी, इसलिए आदित्य अकेले रहता था। उसका डॉक्टर रैशेस देख के एक वॉच देता है, जिससे उसे पता चलता रहेगा अपनी एलर्जी के बारे में। अगर वो वॉच रेड हुई तो वो मर जाएगा, इसलिए उसे हमेशा उस वॉच को ग्रीन पर ही रखना था। आदित्य भी सबसे दूर रहता था क्योंकि उसने इंसानों की असलियत देख ली थी। उसे हर टाइम वो पल याद आता था जब वो कपल्स उसके पेरेंट्स का सामान लूट रहे थे। आदित्य इसलिए इन सबसे दूर रहता था, वो जल्दी किसी को अपने पास नहीं आने देता था। शेखर का बेटा कुछ रोबोटिक साइंटिस्ट को बुलाता है जो ह्यूमन रोबोट बना रहे थे। शेखर का बेटा उनकी टेक्नोलॉजी का पेटेंट करा के पैसे कमाना चाह, लेकिन शेखर को इन सब पे भरोसा नहीं था। वो साइंटिस्ट एलियास को कहता है ये बच्चों के खिलौने बनाना बंद कर दो, और वो उसे भगा देता है। मैत्री आदित्य को कॉल करती है बाकी के पैसे देने के लिए। आदित्य मना कर देता है। वो कहता है तुम घटिया क्वालिटी का माल रखते हो। मैत्री को गुस्सा आता है, उसने आदित्य का पेंडेंट निकाल लिया था। आदित्य हैरान होता है, वो कहता है ये मेरी माँ ने दिया था, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। मैत्री अब मना करती है, वो अब आदित्य से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो पेंडेंट देने से मना कर देती है। बाद में आदित्य के घर में एक ड्रोन आता है, उसमें एक पेन ड्राइव थी। आदित्य उसे प्ले करता है। उसमें एलियास ने एक वीडियो बना रखी थी जिसमें वो अपने ह्यूमन रोबोट दिखा रहा था। वो रोबोट मैत्री की तरह दिखती थी, उसका नाम MY3 था। एलियास बताता है ह्यूमन इमोशन समझती है, इसके सारे एक्शंस ह्यूमन की तरह हैं, इसे वेदर से लेकर शेयर मार्केट तक सबकी नॉलेज है। आदित्य का रोबोट काफ़ी पसंद आता है, वो एलियास को कॉल करता है। वो ये रोबोट 3 महीने के लिए लेना चाह रहा था। वो अच्छी अमाउंट ऑफर करता है, लेकिन पहले वो रोबोट देखना चाहता था, तभी वो डील करेगा। एलियास आदित्य को अपनी लैब में बुलाता है, लेकिन आदित्य शर्त रखता है लैब में कोई नहीं होना चाहिए। और बाद में आदित्य लैब जाता है, वहाँ वो MY3 को देखता है और गुस्से में फ़ोन करता है एलियास को कि यहाँ एक लड़की कैसे है, मैंने तुम्हें मना किया था ना, यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। एलियास बताता है वो रोबोट है। आदित्य बहुत शौक होता है। MY3 आदित्य को शौक देख के कहती है मैं आपको प्रूफ कर देती हूँ कि मैं रोबोट हूँ, और वो अपने कपड़े निकालती है। उसकी बॉडी मेटल की थी। आदित्य को यकीन होता है। MY3 हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। आदित्य डरा हुआ था क्योंकि टच से उसे रैशेज हो जाते थे। वो अपने वॉच चेक करते हुए हाथ मिलाता है, उसे कुछ नहीं होता। वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसने काफ़ी सालों के बाद किसी के साथ हाथ मिलाया था। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद वो एलियास से मिलता है, उसे चेक देता है। उसे MY3 काफ़ी पसंद आती है। एलियास बताता है इसे हर 8 घंटे में चार्ज करना होगा, चार्ज सिर्फ हमारी लैब में ही होगा। आदित्य कहता है मैं घर में ही लैब बनवा लूँगा, टेंशन मत लो। एलियास और उसके साथी पार्टी करते हैं MY3 की सक्सेस पर, लेकिन MY3 के ऊपर दारू के ड्रॉप गिरते हैं जिससे उसके सिस्टम खराब हो जाते हैं। सब परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें अब चाइना से चिप मंगवानी पड़ेगी जिसमें 3 महीने लगेंगे। वो आदित्य को कहता है MY3 को डिलीवर करने में टाइम लगेगा।
आदित्य बिल्कुल नहीं सुन रहा था, उसे कल ही डिलीवरी चाहिए थी। सब परेशान होते हैं, एलियास का दोस्त आइडिया देता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मैत्री को रोबोट की एक्टिंग करवा के 3 महीने चीजें संभालते हैं। एलियास मना करता है क्योंकि वो मैत्री से बात नहीं करना चाहता था और मैत्री और मैत्री एकदम सेम लगते थे, इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं था। वो हिम्मत करके मैत्री को फ़ोन करता है। मैत्री फ़ोन फेंक देती है, वो बात भी नहीं करती। सब परेशान होते हैं। एलियास के साथ ही एलियास को मैत्री से मिलकर मनाने के लिए कहते हैं, लेकिन एलियास नहीं मानता और एक लड़की एलियास की लव स्टोरी पूछती है। एलियास का दोस्त बताता है और सीन पास्ट में जाता है। एलियास मैत्री को एक साइंस एक्सपो में मिला था। मैत्री को भी साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, वो भी काफ़ी गैजेट्स बनाती रहती थी। एलियास को ये चीज़ पसंद आती है, इसलिए वो उसे अपने प्रोजेक्ट में लेता है। सब मिलके MY3 बनाते हैं। एलियास मैत्री के भाई से मिलता है और शादी के बारे में बात करता है। वो मैत्री को पसंद करता था, मैत्री को भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैत्री का भाई शादी के लिए मानता है, लेकिन उसकी शर्त थी उसे ये फालतू प्रोजेक्ट छोड़ना होगा। वो कहता है, तुम कोई आइंस्टाइन या स्टीव जॉब नहीं हो कि तुम्हारे बिना दुनिया चलेगी नहीं। ज़्यादातर लोग स्टार्टअप के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, ना उनके पास नौकरी करने की उम्र बचती है और ना पैसे, और कर्जा और हो जाता है। तुम्हें यह काम छोड़ना होगा। बाद में एलियास और मैत्री और मेहनत करते हैं। वो मैत्री के लुक्स पे रोबोट बनाते हैं, लेकिन किसी को रोबोट पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि MY3 ह्यूमंस की तरह नहीं थी और उसे और एडवांस करने के लिए 10 लाख रुपये चाहिए थे। मैत्री अपनी भाभी से पैसे लेती है बिना उसके भाई को बताए, और ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाता है। उन्हें इतनी मेहनत के बाद भी कोई कस्टमर नहीं मिल रहा था। वो परेशान होते हैं। मैत्री के भाई को सच पता चलता है। वो मैत्री को बुला के कहते हैं, मेरे पास एक खुशखबरी है, मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे रहा हूँ क्योंकि इसने मेरे से छुपा के तुम्हें पैसे दिए हैं। बैंक वालों का फ़ोन आ रहा है पैसों के लिए। इसने मेरा भरोसा तोड़ा है, मैंने इससे कभी भी एक चीज़ नहीं छुपाई, कभी भी नहीं। मैत्री उसे मनाती है, इसलिए वो डाइवोर्स नहीं देता, लेकिन वो मैत्री को घर से निकाल देता है और जल्दी 10 लाख रुपये भरने के लिए कहता है। इसलिए मैत्री के ऊपर कर्जा हो जाता है और सीन प्रेजेंट में आता है। लड़की कहती है, पैसे की वजह से ब्रेकअप हुआ क्या? एलियास का दोस्त नहीं बताता। बाद में एलियास हार मान के मैत्री के पास जाता, उसे 10 लाख का चेक देता। मैत्री का नशा उतरता और एलियास उसे रोबोट बनने की एक्टिंग करने के लिए कहता है। मैत्री नहीं मानती क्योंकि ये काम काफ़ी टफ था, लेकिन उसे उसकी भाभी का फ़ोन आता है पैसों के लिए, इसलिए मैत्री को मानना पड़ता है। वो MY3 की तरह तैयार होती है। उसे स्पेशल लेंस लगाने पड़ते हैं और उसे एक ईयरफोन दिया जाता है ताकि एलियास और उसके लोग सब देख सकें। आदित्य ने अपने घर के गैराज में एलियास की लैब बनवा दी थी, सब जाते हैं। आदित्य मैत्री को फ़ोन करता है पेंडेंट के लिए। मैत्री कहती है, पेंडेंट भेज दिया। आदित्य एड्रेस मांगता है शॉप का, और दोनों की लड़ाई होने वाली थी। आदित्य मैत्री के सामने आने ही वाला था, एलियास फ़ोन छीनता है और मैत्री आदित्य को सामने देख के हैरान होती है। और आदित्य भी, और बाकी की स्टोरी अगले पार्ट में।